अयोध्या मामले पर अब अल्टीमेटम दे दिया गया है, और यह अल्टीमेटम किसी और ने नहीं, खुद सीजेआई ने दिया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अयोध्या केस में सुनवाई जो है 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस जो है खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन था, और आज जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर अपनी राय रखी। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया है कि इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर हमने 4 हफ्ते में फैसला दे दिया तो ये एक तरह का चमत्कार ही होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस जो है वो खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोले हैं कि आज का दिन यानी कि गुरुवार का दिन मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए 10 दिन का वक्त जो है वो बचा है। आधा दिन आज का अगर हम जोड़ ले तो 10.5 दिन का वक्त जो है वो बचा है सुनवाई खत्म करने के लिए। तो 18 अक्टूबर जिसका जिक्र पहले भी सीजेआई रंजन गोगोई कर चुके हैं कि 18 अक्टूबर तक जो तमाम पक्ष हैं वो अपनी दलीलें पूरी करें और सुनवाई जो है हम पूरी कर ले 18 अक्टूबर तक, तब हमें कम से कम 4 हफ्ते का वक्त चाहिए फैसला लिखने के लिए। आपको बता दें कि 17 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई जो है रिटायर हो रहे हैं, और उसके पहले वो चाहते हैं कि अयोध्या विवाद में कोई फैसला लिया जाए, और इसलिए दोबारा जवाब आज जस्टिस रंजन गोगोई ने जब ये बात कही सीजेआई ने कि 18 अक्टूबर तक अगर सुनवाई पूरी नहीं होती है तो फैसला देने का चांस जो है वो खत्म हो जाएगा। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, क्या लगता है, बार बार सीजेआई अब कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जाए, लेकिन दलीलें जो हैं क्या लगता है खत्म होंगी? देखिए श्वेता जी, जहां तक बात है देखिए दलीलों की, तो देखिए हिंदू पक्षकारों ने तो बोल चुके हैं, और लास्ट में जब ये बोल रहे हैं इसके बाद थोड़ी सी हिंदू पक्षकार इनके बातों का जवाब तो मांगा है सर हिंदू पक्षकार ने भी जी, वक्त तो हिंदू पक्षकार ने भी मांगा है कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होंगी तो हमें भी 2 दिन का वक्त चाहिए होगा। नहीं, वो तो पहले भी मांगे थे, चूंकि मैं उसमें खुद पक्षकार हूँ, मेरा अपील नंबर 26 हमारे अधिवक्ता ने मांगा था, तो जब इन्होंने बोला है तो इसके जवाब में काउंटर तो हम करेंगे ना। इन्होंने जो चीजें और चीफ जस्टिस ने बोला भी था कि हाँ ठीक है, तो 2-4-5 दिन जितने दिन का समय मिले उसमें मिलेगा, लेकिन सबको मिलेगा जो हिंदू पक्षकार जो मुख्य है। तो अब देखिए क्या है, लेकिन इसमें मुस्लिम पक्षकार जानबूझ के डिले टैक्टिक्स अपना रहा है और जानबूझ करके ये मामले को खींचने का प्रयास जैसे कर रहे हैं। आप देखिए उसे मध्यस्थता का भी बीच में लगा दिया कि पुनः मध्यस्थता, जब एक बार मध्यस्थता सफल नहीं हो पाई उसमें हम लोगों ने बड़ा सहयोग किया था, और मध्यस्थता की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने मध्यस्थता में सहयोग पहले नहीं किया। मध्यस्थता की बात तो रहने दीजिए चक्रपाणी महाराज, लेकिन कल जिस तरह से यूटर्न हुआ है और मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि अब वो जन्मस्थान ही वहां नहीं मानते, तो ये वाकई में उलझाने वाला, केस को उलझाने वाला मामला है, और ऐसे में तो दलील पर दलील दी जाएगी, और 18 अक्टूबर तक जो सुनवाई पूरी होने की बार बार गुजारिश कर रहे हैं सीजेआई वो भी पूरी होती नजर नहीं आएगी। श्वेता जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये तर्क नहीं है, कुतर्क लोग कर रहे हैं, और बस एक इनके बातों का कोई स्टैंड नहीं है। और देखो स्पष्ट है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर लड़ रहे हैं, सिर्फ भावना के आधार पर नहीं लड़ रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो निर्णय भी आया था सिर्फ भावना पे नहीं मिली थी, हमारी प्रमाण है, हमारे या और पुरातत्व विभाग के भी प्रमाण है, शास्त्रों के प्रमाण है, अनेक प्रमाण अभी है। अभी तो जब हम लोग जवाब देंगे, अभी देखो जो इनका काउंटर अभी तैयार हमारे वकीलों ने किया है, सब कुछ साक्ष्य उनके सामने रखेंगे, ये पूरी तरह झूठ की इनका बेनकाब होगा। तो इसलिए आप देखो पहले दिन कुछ और बोलते हैं, वो दूसरे दिन मुस्लिम पक्षकार के वकील कुछ और बोल देते हैं, तो श्वेता जी ये लोग जानबूझकर। लेकिन केवल मुस्लिम पक्षकारों का ही ये दायित्व नहीं बनता है चक्रपाणी महाराज जी, ये दायित्व सभी लोगों का बनता है कि आखिर दलीलें पूरी की जाएं, और जब बार बार डेडलाइन दी जा रही है कि 18 अक्टूबर तक दोनों तरफ की सुनवाई जो है वो पूरी हो, तो कोशिश आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि अब जब मुस्लिम पक्ष की दलील खत्म हो जाएगी
तो हमें भी कुछ वक्त चाहिए होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि वक्त मिलेगा और हम अपनी बात फिर से रखेंगे। जो बातें मुस्लिम पक्ष ने रखी है उसके अगेंस्ट में जो बातें हैं वो हम अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना अरोड़ा इस वक्त जुड़ चुकी है, सीधा रुख करेंगे भावना का। भावना, फिर से एक बार बात दोहराई है सीजेआई ने कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो, तो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो यू टर्न बार बार मामले में आ रहा है वो केस को उलझाएगा, तो जो भी पक्ष है वो अपनी दलीलें रख दे, सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो, नहीं तो बता भी रहे सीजेआई कि फैसला देना का चांस जो है वो जा सकता है। बिल्कुल श्वेता, अगर देखा जाए तो बहुत दिन हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं, और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सीजीआई का यूटर्न इसमें सामने आया, लगातार सीजीआई की दलीलें सामने आ रही है, और खुद रंजन गोगोई कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर को लेकर फैसला हो जाएगा, और जो सुनवाई है 18 अक्टूबर तक की आखिरी सुनवाई होगी, जिसमें जो भी पक्ष है अपनी अपनी तरफ से जो है पक्ष रखेगा, और उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि आखिर राम जन्मभूमि पे रामलला का मंदिर बनेगा या नहीं। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई तथ्य और कई बिंदु सामने आए, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने उसको भूमि ही मानने से मना कर दिया, राम भूमि। तो ऐसे में फिलहाल जो कोर्ट की तरफ से अगर हम समझे तो ये मामला ना सिर्फ धार्मिक मामला है बल्कि प्रॉपर्टी का भी एक ऐसा मामला है जिसको सुलझाने की कवायद लगभग काफी सालों से चली आ रही है, लेकिन वक्त जो है बीता जा रहा है और मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से सीजीआई ने अब एक्शन लिया है और लगातार डे टू डे हेयरिंग की बात यहाँ पर हो रही है, समय सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, और सबसे अहम बात जब शनिवार को भी कोर्ट को बिठाने के लिए कह दिया और यहाँ तक कि एक घंटे से ज्यादा जो समय है समय सीमा बढ़ा दी गई है कि अगर लगता है कि समय कम पड़ रहा है तो क्रॉस चेकिंग के जरिए या फिर क्रॉस कन्वर्सेशन के जरिए जल्द से जल्द इस मैटर को निपटाया जाए। सभी पक्षों को आधार दिया गया है कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करे, क्योंकि राम। लेकिन भावना, इन तथ्यों पर अगर नजर डाले कि जिस तरह से सीजीआई खुद आगे आकर जिस तरह की दलील दे रहे, जिस तरह की बात कर रहे हैं, बार बार, ये दूसरी बार है जब सीजीआई ने कहा कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जाए, शनिवार को भी अगर बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे ये भी कहना है, 17 नवंबर रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं और वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि फैसला आए, क्योंकि ये मामला बहुत सालों से लंबित है और इस पर फैसला लिखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त तो कम से कम चाहिए होगा, ये कहना है सीजीआई का। तो क्या तमाम पक्षों का ये दायित्व नहीं बनता है कि जब सीजीआई भी ये बात कह रहे हैं तो 18 अक्टूबर के पहले अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी जाएं? ये बार बार यू टर्न लेने से तो यही लग रहा है कि मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुद्दा फिलहाल राजनीतिक तौर पर भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक वक्त ऐसा था जब कार सेवकों के द्वारा ये मुद्दा गरमाया था, फिलहाल की राजनीति को अगर हम समझे तो फिलहाल ये जो मुद्दा है अब तब्दील होते हुए जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ राम मंदिर बनने का सवाल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है बल्कि ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। यही सबसे बड़ी वजह है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा। ऐसे में श्वेता, जहां तक हमें उम्मीद नजर आ रही है फिलहाल के तौर पर अगर हम समझे तो शायद ये 18 अक्टूबर शायद ये आखिरी तारीख हो सकती है जहां पर तारीख पे तारीख का सिलसिला खत्म हो जाएगा, और लगभग क्योंकि इस बार सीजीआई का जो समय सीमा है वो भी 17 नवंबर तक खत्म होने वाली है, तो ऐसे में पूरे 4 हफ्ते चाहिए पूरे के पूरे कागजातों को तैयार करने के लिए और साथ ही साथ परिणाम निकलने के लिए। शायद यही बड़ी वजह है कि 18 अक्टूबर को आखिरी दिन चुना गया है और 17 नवंबर, क्योंकि खुद सीजीआई रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में वो समय सीमा से रहते हुए जो है लगभग चाहते हैं कि समय सीमा तक जो है राम मंदिर का निर्माण हो जाए या फिर कम से कम जो मुद्दा है वो अब सुलझ जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो मुद्दा है वो उलझता जा रहा है। चाहे वो पिछले सीजीआई की बात हम दीपक मिश्रा की करें, उनके समय भी इसी बात को रखा गया था कि डे टू डे हेयरिंग की शुरुआत होगी, हेयरिंग की शुरुआत के बाद मुद्दे को सुलझाने की बात की जाएगी, सभी पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे और दलीलें रखने के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण होगा या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो ये मुद्दा ना सिर्फ बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है बल्कि राम जन्मभूमि से भी जुड़ा है।